ये हुआ हजरत हाफिज जैद बंदगी रहमतुल्लाह का पहले खलीफा जी जी पहले मुरीद इनको किए थे जी जी इनका हवा बताते जिसको पकड़ता है जी 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 यही जगह में इसको कैद किया जाता है। यहाँ से अभी हम लोग जाएंगे पंडुआ शरीफ और जहाँ पर है हज़रत मखदूम अलाउल हक पांडवी रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह शरीफ। और दोस्तों आज मैं आपको हज़रत मखदूम अलाउल हक पांडवी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में काफ़ी सारी जानकारी भी देने वाला हूँ और उनकी क्या करामात है ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। सब्सक्राइब कीजिए हज़रुल रहमत चैनल को और इस बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो की जानकारी आप तक पहुँच सके। हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हज़रुल, आप देख रहे हैं हज़रुल रहमत चैनल। दोस्तों आज मैं आपको ज़ियारत करवाने वाला हूँ हज़रत मखदूम अलाउल हक पांडवी रहमतुल्लाह अलैह के दरगाह शरीफ की। दोस्तों अभी मैं इस वक्त हूँ मालदा और ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये रेलवे स्टेशन है मालदा टाउन। और यहाँ पर जो है तीन स्टेशन है, एक है मालदा कोर्ट और एक है ओल्ड मालदा और एक है मालदा टाउन। और अभी मैं इस वक्त हूँ मालदा टाउन और यहाँ से अभी हम लोग जाएंगे पंडुआ शरीफ और जहाँ पर है हज़रत मखदूम अलाउल हक पांडवी रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह शरीफ। और दोस्तों आज मैं आपको हज़रत मखदूम अलाउल हक पांडवी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में काफ़ी सारी जानकारी भी देने वाला हूँ और उनकी क्या करामात है ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। मालदा टाउन से आप किस तरह से पंडुआ शरीफ जाएंगे मैं इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी दूंगा। यहाँ से आप कहाँ जाएंगे और किस तरह से आप जाएंगे, अभी हम लोग हैं मालदा टाउन में और यहाँ से हम लोग जाएंगे पंडुआ शरीफ। और पंडुआ शरीफ जाने के लिए अभी हमारे को यहाँ से गाड़ी करनी पड़ेगी। अभी हम लोग यहाँ से जाएंगे 420, एक जगह का नाम है 420 और वहीं से हम लोगों को पंडुआ के लिए गाड़ी मिलेगी। तो अभी हम लोग यहाँ से जाएंगे 420 और 420 से हम लोग चलेंगे पंडुआ शरीफ। तो आइए अभी हम लोग गाड़ी वाले से बातचीत करते हैं और फिर चलते हैं। और आप यहाँ पर देख ही सकते हैं लोग अभी इस वक्त यहाँ पर आराम कर रहे हैं और ये जो नज़ारा है ये स्टेशन के बाहर का नज़ारा है, तो आप यहाँ का नज़ारा देख ही सकते हैं। तो अभी हम लोग इस तरह चलेंगे क्योंकि यहाँ पे काफ़ी गर्मी हो रही है, आप देख ही सकते हैं धूप काफ़ी तेज़ है और धूप तेज़ होने की वजह से लोग जो है यहाँ पर छाँव में अभी आराम कर रहे हैं। और अभी हम लोग भी यहाँ पर थोड़ी देर रुके थे, थोड़ी देर रुकने के बाद क्योंकि धूप काफ़ी ज़्यादा है, गर्म काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर हम लोगों को गर्मी लग रही है। तो अभी हम लोग इंशाल्लाह ये जो आप सामने गेट देख रहे हैं इसी गेट से अभी हम लोग जाएँगे और इस गेट के बाहर ही आपको यहाँ पर गाड़ी मिल जाएगी। तो अभी हम लोग यहीं से गेट के बाहर से हम लोग यहाँ से गाड़ी लेंगे 420 के लिए और वहाँ से हम लोगों को जो है गाड़ी मिल जाएगी, बस कुछ भी वहाँ से हम लोगों को मिल जाएगी। तो अभी हम लोग यहाँ से चलते हैं 420 और आगे का सफ़र फिर हम लोग तय करेंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए, इंशाल्लाह मैं आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में दे दूँगा कि आप हज़रत मखदूम अलाउल हक पांडवी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह कैसे पहुँचेंगे मालदा टाउन से। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये रेलवे स्टेशन है मालदा टाउन और हम लोग यहीं से आज जाएंगे पंडुआ शरीफ। और आप अभी हम लोग यहाँ से जो है ना 420 के लिए जाएंगे। तो आप यहाँ पर देख ही सकते हैं ये था गेट, जिस गेट से अभी हम लोग बाहर आए हैं। तो अभी हम लोग यहाँ से चलेंगे इंशाल्लाह 420 कितने रुपए? 10 रुपये। चलो जैसे कि दोस्तों अभी हम लोग इस गाड़ी में बैठ चुके हैं और यहाँ से अभी हम लोग जो है मालदा का जो मालदा टाउन स्टेशन है वहाँ से अभी हम लोगों ने एक रिक्शा कर लिया है और यहाँ से अभी हम लोग जाएंगे 420 और 420 में जो जगह है 420 जिस जगह को 420 के नाम से जिस जगह को जाना जाता है वहाँ से हमारे को पंडुआ के लिए गाड़ी बड़ी आसानी से मिल जाएगी। हालांकि गाड़ी यहाँ से भी मिल सकती है लेकिन यहाँ थोड़ा मुश्किल है, लेकिन 420 से हमें बहुत ही आसानी से मिल जाएगी। अगर आप मालदा कोर्ट से आ रहे हैं और या फिर मालदा ओल्ड से आ रहे हैं, यानी आप किसी भी स्टेशन से आ रहे हैं मालदा के, तो आप 420 आ जाइए, 420 से आपको गाड़ी जो है पंडुआ के लिए आराम से मिल जाएगी। तो अभी हम लोग चल ही रहे हैं यहाँ से 420 और 420 से हम लोग ये गाड़ी चेंज करेंगे। अभी हम लोग पहुँच चुके हैं 420 मोड़ पर और यहीं से हमारे को जो है पंडुआ के लिए बस मिलेगी। तो अभी हम लोग यहीं से बस लेंगे और जो हमने रिक्शा करा था वो रिक्शा ने हमें यहीं पर उतार दिया है। तो अभी हम लोग यहाँ पर रुके हैं और यहाँ पे हम लोग ये जो है ये एक फल है पेड़ का जो हमने सोचा जब मालदा आए हैं तो ये भी हम खा लें। तो अभी हम लोग ये खाएंगे। तो इसे कुछ इस तरह से काटा जा रहा है। इसे क्या कहते हैं भैया जी, इसे क्या कहते हैं? ताल। तो जैसा कि दोस्तों अभी हम लोगों ने यहाँ पर जो भैया हमारे को यहाँ पे ताल खिला रहे थे वो हम लोगों ने अभी ताल यहाँ पे खा लिया है और ताल वगैरह खाने के बाद वो काफ़ी टेस्टी फल था जो फल हमारे को भैया ने खिलाया। अभी हमने उनसे नाम पूछा है तो हमारे को उन्होंने नाम बताया कि इसे ताल कहते हैं। और अभी हम लोग यहाँ पे 420 ये जगह जो है 420 के नाम से जाना जाता है, अभी हम लोग यहीं पे रुके थे। और अभी जो है रोड के अभी हम लोग उस पार जाएंगे और उस पार से जो है हमारे को पंडुआ के लिए बस मिलेगी। तो अभी हम लोग रोड के उस पार जाते हैं और पंडुआ के लिए बस पकड़ते हैं और फिर चलते हैं पंडुआ।
जो जगह 420 के नाम से मशहूर है, जो जगह 420 के नाम से जाना जाता है, उसी जगह से हमने ये बस पकड़ी है। और वहाँ से 420 से पांडुआ शरीफ के लिए बस का जो किराया है वो एक आदमी का 20 रुपये है। और मालदा टाउन से हम लोग जो आए थे 420, वहाँ से हम लोगों से जो रिक्शा वाला है उसने 10 रुपये लिया है। यानी मालदा टाउन से आप पांडुआ शरीफ 30 रुपये में पहुँच जाएंगे। तो अभी हम लोग चल रहे हैं, बस में ही अभी हम लोग, तो अभी हम लोग आगे की तरफ चल रहे हैं और आप बाहर का नज़ारा आप देख ही सकते हैं। बस जो है काफ़ी तेज़ी से चल रही है और अभी हम लोग बस में ही हैं। तो इंशाल्लाह अभी हम थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे हज़रत मखदूम अलाउल हक पांडवी रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह शरीफ में। तो आप नज़ारा देख ही सकते हैं, काफ़ी खूबसूरत नज़ारा है और धूप जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। दोस्तों हम लोग पहुँच चुके हैं पांडवा और हमारे को जो बस है वो यहाँ पर उतार दिया है, बस ने हमें यहाँ पे उतार दिया है। और हम लोगों ने जो है, जैसे कि मैं आपको शुरू से वीडियो में बता रहा हूँ कि हम लोग जो है मालदा टाउन से हम लोगों ने ऑटो किया था, ऑटो करके हम लोग आए थे 420 और 420 से हम लोगों ने बस किया था और बस ने हमें यहाँ पर उतारा है। और बस का जो किराया है एक आदमी का हमारे को 20 रुपये लगा है और टेम्पो का जो किराया हमारे को जो लगा, जो रिक्शे का जो हमारे को किराया लगा वो 10 रुपये लगा। यानी मालदा टाउन से हमें 420 आने में 10 रुपये लगा और 420 से पांडुआ आने में बस का किराया हमें एक आदमी का 20 रुपये लगा। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं और इंशाल्लाह देखते हैं कि यहाँ का जो आगे का रास्ता है वो कैसा रास्ता है, वो भी हम आपको इंशाल्लाह दिखाएंगे। दोस्तों अभी हम लोग रोड को पार कर रहे हैं, रोड पार करने के बाद अभी हम लोग इधर पहुँच चुके हैं और ये जो आप रास्ता देख रहे हैं ये रास्ता हज़रत मखदूम अलाउल हक पांडवी रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह शरीफ की तरफ जा रहा है और अभी हम लोग इसी रास्ते से जाएँगे। और आप यहाँ पर देख सकते हैं दुकान वगैरह काफ़ी सारी यहाँ पर लगी हुई है और यहाँ पर मिठाई वगैरह मिल रहे हैं। और अभी हम इस तरफ से जाएँगे और ये जो आप रास्ता देख रहे हैं ये रास्ता बिल्कुल सीधा हज़रत मखदूम अलाउल हक पांडवी रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह शरीफ में जा रहा है और आप यहाँ का मंज़र देख ही सकते हैं। और ये जो है दोस्तों, ये पांडुआ शरीफ जो है मालदा में है और जैसे कि मैंने आपको बताया, मैं आपको पूरे रास्ते तलक मैं आपको वीडियो में बना के दिखाते आ रहा हूँ कि हम लोग यहाँ तक किस तरह से पहुँचे हैं, क्योंकि मुझे इस वीडियो बनाने का ये मेरा मकसद है। क्योंकि मैं जब इससे पहले यहाँ पर आया था तो मुझे काफ़ी सारे लोग कमेंट करके बोल रहे थे कि भाई आपने रास्ता नहीं बताया हज़रत मखदूम अलाउल हक पांडवी रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह शरीफ में, हम लोग कैसे जाएँगे कैसे जाएँगे कैसे जाएँगे। तो इसलिए मैं एक बार फिर हज़रत मखदूम अलाउल हक पांडवी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में आया हूँ और इंशाल्लाह मैं आपको इस बार पूरी जानकारी दूंगा इंशाल्लाह। और आप यहाँ पर देख सकते हैं ये सब्ज़ी वगैरह की दुकान यहाँ पे लगी हुई है, अभी तो नहीं है ज़्यादा क्योंकि लोगों ने अपनी अपनी दुकान समेट ली है। यहाँ पर जो दुकानें वगैरह लगती है वो सुबह का टाइम लगती है, सुबह का टाइम यहाँ पर काफ़ी अच्छा मार्केट लग जाता है। क्योंकि मैं यहाँ पर पहले भी आ चुका हूँ, अगर आपने वो वीडियो हमारी नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पर जाकर के वो वीडियो देख सकते हैं। ये भी एक मज़ार है जो कि रोड के बिल्कुल ही करीब में है। तो इंशाल्लाह अभी हम लोग चल रहे हैं जो थोड़ी दूर पर मौजूद है हज़रत मखदूम अलाउल हक पांडवी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह, इंशाल्लाह हम आपको इस वीडियो में ज़ियारत कराएंगे। आप एक बार उरस में यहाँ पर आएंगे ना तो आपको ये जगह है ना, ये जगह बिल्कुल भी खाली नहीं मिलेगी। इस जगह में एकदम बिल्कुल लोग चलते हुए नज़र आएंगे और काफ़ी दूर दूर से लोग इस दरगाह में आते हैं हज़रत मखदूम अलाउल हक पांडवी रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह शरीफ में। काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं और अपनी अपनी, और दुकानदार भी काफ़ी दूर दूर से आते हैं अपनी अपनी दुकानें लगाने के लिए। अभी ये जो आपको जो जगह सब खाली दिख रही है ना, ये उरस के दौरान ये जगह आपको खाली नहीं दिखेगी, यहाँ पर सभी पूरी जगह पर एकदम बिल्कुल दुकानें लग जाती है। तो अभी हम इंशाल्लाह थोड़ी देर में पहुँच जाएँगे बारगाह में और हम आपको ज़ियारत कराएँगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अभी हम लोग जो यहाँ पर पहुँचे हैं आम के टाइम में पहुंचे हैं और आप देख ही सकते हैं यहाँ पे आम वगैरह इस पेड़ में आया हुआ है। और मैं आपको बता दूं मालदा जो है सबसे ज़्यादा अगर आम होता है तो वो मालदा में होता है और मालदा के आम जो है बहुत दूर दूर तक जाते हैं और सबसे ज़्यादा आम जो फेमस है वो मालदा के ही फेमस है। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आम के बाग हैं, यहाँ सबसे ज़्यादा अगर मैं फेमस कहूँ तो यहाँ सबसे ज़्यादा फेमस तो आम ही है। तो दोस्तों चलते चलते हम लोग बहुत ही बारगाह के जो है हज़रत मखदूम अलाउल हक पांडवी रहमतुल्लाह अलैह के बारगाह के बहुत ही हम लोग नज़दीक पहुँच चुके हैं और इस तरफ थोड़ा रास्ता ख़राब होने की वजह से हमें इस तरफ से चलना पड़ेगा। और जैसा कि आप देख ही सकते हैं यहाँ की जो ज़मीन है वो कच्ची ज़मीन है और अगर यहाँ पे थोड़ा बहुत बरसात वगैरह अगर हो जाती है तो कुछ रोड इस तरह से हो जाता है। आप रोड का मंज़र देख ही सकते हैं, रोड इस तरह से हो जाता है अगर पानी वगैरह थोड़ा बहुत अगर इधर आ गया तो रोड इस तरह से हो जाता है। क्योंकि ये ज़मीन जो है बहुत ही कच्ची ज़मीन है, पूरे मिट्टी सब जो है भीग जाते हैं तो
इस तरह से हो जाता है वो। तो अभी हम लोग इस तरफ से चलेंगे और अभी हम चलते चलते यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक मज़ार शरीफ है और आप हमारी वीडियो के ज़रिए से यहाँ की ज़्यारत कर सकते हैं। तो आप यहाँ की ज़्यारत कर सकते हैं। ये जो मज़ार शरीफ है ये रोड के बिल्कुल ही करीब है। तो दोस्तों आप यहाँ पे मज़ार शरीफ की ज़्यारत कर सकते हैं। ये जो मज़ार शरीफ है बिल्कुल रोड के बिल्कुल ही करीब में है। तो अभी हम लोग आगे की तरफ चलेंगे और इंशाल्लाह हम आपको ज़्यारत कराएंगे हज़रत मखदूम अलाउल हक पांडवी रहमतुल्लाह अलैह के दरगाह शरीफ की। और दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो पेड़ है, ये सभी पेड़ जो है ये आम के पेड़ हैं। और मैं आपको यहाँ से एक बार दिखा देता हूँ, ये जो आपको पूरा बाग दिख रहा है, ये बाग जो है ये पूरा बाग आम का बाग है। आप देख ही सकते हैं ये पूरा का पूरा जो बाग है ये आम का बाग है। तो जैसा कि मैंने दोस्तों आपको आगे वीडियो में मैंने बताया कि मालदा में जो सबसे ज़्यादा फेमस है वो आम है और मालदा के आम जो है काफ़ी दूर दूर तक जाते हैं। तो आप देख ही सकते हैं यहाँ पर कितने सारे पेड़ लगे हुए हैं और ऐसे ही बाग और भी बहुत सारे हैं, ऐसे ही बाग और भी बहुत सारे हैं। तो अभी हम लोग इस तरफ चलेंगे और इंशाल्लाह बहुत ही जल्द हम लोग पहुँच जाएँगे हज़रत मखदूम अलाउल हक पांडवी रहमतुल्लाह अलैह के बारगाह में और हम आपको ज़्यारत कराएंगे हज़रत मखदूम अलाउल हक पांडवी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह की। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आप मंज़र देख सकते हैं, काफ़ी ख़ूबसूरत मंज़र है पंडवा शरीफ का। तो दोस्तों अभी हम लोग पहुँच चुके हैं हज़रत मखदूम अलाउल हक पांडवी रहमतुल्लाह अलैह के दरगाह शरीफ के गेट के बिल्कुल ही पास में। और ये जो आप गेट देख रहे हैं ये दरगाह शरीफ का गेट है और इसी गेट से अभी हम लोग दरगाह शरीफ की ज़्यारत के लिए जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो दरगाह शरीफ का गेट है उस गेट से अभी हम लोग अंदर की तरफ आ चुके हैं और ये जो आप नज़ारा देख रहे हैं ये दरगाह शरीफ के गेट के अंदर का नज़ारा है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं बच्चे लोगों के काफ़ी सारे खिलौने वगैरह यहाँ पर मिल रहे हैं और आप देख ही सकते हैं यहाँ का जो मंज़र है। और मैं आपको बता दूं कि ये जो है तालाब, इसे न्यू शरीफ कहते हैं। और जैसा कि हमने अगली बार हम आए थे तो हमने यहाँ के लोगों से हमने मालूमात करा था, हमें पता चला है ये जो जगह है ये तालाब, इसे न्यू शरीफ कहते हैं। और चाहे कैसी भी बीमारी हो, बला बदतर हो या कोई हवा वगैरह लग गई हो और या कोई परेशानी हो, तो आप नीर शरीफ में आइए और वहाँ पर जो है आप देख रहे हैं वहाँ पर सिड्डी वगैरह बनी हुई है, वहाँ से भी और यहाँ से भी लोग इस जगह पर वज़ू बनाते हैं और हज़रत मखदूम अलाउल हक पांडवी रहमतुल्लाह अलैह से दुआ मांगते हैं और उनकी परेशानी दूर हो जाती है। जैसा कि हमने यहाँ के लोगों से मालूम करा, हमें पता चला है। और आप जो सामने गुम्बज देख रहे हैं ये हज़रत मखदूम अलाउल हक पांडवी रहमतुल्लाह अलैह के बारगाह का गुम्बज है और ये जो है ये मस्जिद है। जो ज़ायरीन हज़रत मखदूम अलाउल हक पांडवी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में आते हैं उरस के दौरान या फिर सादे दिन में, वो इस तरफ आके रुकते हैं। और जो लोग चाहते हैं कि हम ज़्यादा दिन तक यहाँ पर रुके, वो अपने घर से अपने सामान वगैरह लेकर के आते हैं और खाना वगैरह यहीं पर बनाते हैं। आप देख ही सकते हैं जो ज़ायरीन आए हुए अभी वो यहाँ पर अपना खाना वगैरह बना रहे हैं। और जैसे उरस के जो उरस का जो मंज़र रहता है, उरस के मंज़र में तो बहुत लोग आते हैं और ऐसे छोटे छोटे गड्ढे वगैरह खोद लेते हैं और यहीं पर अपना खाना वगैरह बनाते हैं हज़रत मखदूम अलाउल हक पांडवी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह के बिल्कुल ही सामने का ये मंज़र है। और इस तरफ आप देख सकते हैं यहाँ पर मज़ार वगैरह भी है। तो आइए मैं आपको इन मज़ारों की भी मैं आपको ज़्यारत करवा देता हूँ। तो आप हमारी वीडियो के ज़रिए से यहाँ की भी आप ज़्यारत कर सकते हैं, इन मज़ारों की भी आप ज़्यारत कर सकते हैं। और ये जो मज़ार है बिल्कुल ही हज़रत मखदूम अलाउल हक पांडवी रहमतुल्लाह अलैह के बारगाह के बिल्कुल ही सामने है। आप देख सकते हैं हज़रत मखदूम अलाउल हक पांडवी रहमतुल्लाह अलैह की जो बारगाह है वो यहाँ पर है। और जो ज़ायरीन हज़रत मखदूम अलाउल हक पांडवी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में आते हैं वो यहाँ पर रुकते हैं आकर के और इस तरह से गड्ढे वगैरह खोद लेते हैं और ईंट वगैरह लगा करके चूल्हा टाइप बना लेते हैं और यहीं पर अपना खाना वगैरह बनाते हैं और खाते हैं। और यहीं पर जितने दिन भी वो रुकना चाहे वो रुक सकते हैं।
तो आप देख ही सकते हैं अभी इन्होंने चावल वगैरह बनाया है, और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं प्याज वगैरह कट रहे हैं, आलू वगैरह है, मिर्ची वगैरह है, सब चीज़ें यहीं पर ही है। और यहाँ पर चावल वगैरह डाल के इन्होंने अभी फैला दिया है ताकि चावल ठंडे हो जाए, और यहाँ पर सब्जी बन रही है। तो अभी हम इस तरफ चलते हैं और इस तरफ का भी हम आपको मंज़र दिखाते हैं। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि उरस का जो मंज़र रहता है ना यहाँ का, आप एक बार अगर उरस के टाइम की हमारी अगर वीडियो देखेंगे तो आप यहाँ पर आपको जगह नहीं मिलेगी बैठने के लिए, क्योंकि इतनी पब्लिक आती है। हज़रत मखदूम अलाउलक पांडवी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको हज़रत मखदूम अलाउलक पांडवी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में आने की पूरी जानकारी दे दी है। अगर आप मालदा टाउन से आ रहे हैं तो आप किस तरह से आएंगे वो मैंने आपको बता दिया है। और यहाँ पर जो है मालदा में तीन स्टेशन हैं, एक है मालदा कोट और एक है ओल्ड मालदा और एक है मालदा टाउन। और अभी जो हम लोग यहाँ पर आए हैं मालदा टाउन से आए हैं। तो दोस्तों ये जो है नीर शरीफ है, जैसा कि मैंने आपको नीर शरीफ के बारे में भी जानकारी दे दी है। और ये जो नीर शरीफ है, ये जो पानी है, ये पानी काफ़ी करामती पानी है, जैसा कि हमने यहाँ के लोगों से मालूम करा, हमें पता चला है ये जो पानी है ये काफ़ी करामती पानी है। दोस्तों मैंने आपको बता दिया आप मालदा टाउन से हज़रत मखदूम अलाउलहक पांडवी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में ज़्यारत के लिए आप किस तरह से आएंगे, और हज़रत मखदूम अलाउलहक पांडवी रहमतुल्लाह अलैह की जो बारगाह है वो पंडवा शरीफ में है। और दोस्तों हज़रत मखदूम अलाउलहक पांडवी रहमतुल्लाह अलैह हज़रत मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी रहमतुल्लाह अलैह के पीरो मुर्शिद हैं, और हज़रत मखदूम अलाउलहक पांडवी रहमतुल्लाह अलैह हज़रत उस्मान अकी सिराजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह से मुरीद हैं, और हज़रत उस्मान अकी सिराजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया से मुरीद हैं, और हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया हज़रत बाबा फ़रीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह से मुरीद हैं, और हज़रत बाबा फ़रीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह से मुरीद हैं, और हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती संजरी सुमुल अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह से मुरीद हैं, और हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के सबसे पहले खलीफा है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आएगी, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, वीडियो के बारे में कुछ बोलना है तो कमेंट ज़रूर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ में बेल आइकन की दबा दीजिए ताकि जब भी मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ उसकी जानकारी पहुँचे आप तक सबसे पहले। दोस्तों अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो ज़रूर कर लीजिए, मैं वहाँ पर भी काफ़ी अच्छी अच्छी पोस्ट करता रहता हूँ। तो मिलते हैं दोस्तों किसी नेक्स्ट टॉपिक में, जब तक के लिए बाय बाय।